स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आयोजित जनसंवाद वर्चुअल रैली को सुनने के लिए भाजपा कार्यालय भाजपा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ नजर आया। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदत्त त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, वेद्य मोहनलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, मनोज पारीक, पार्षद विनोद सोनी, गौरव इंदौरिया, नवरत्न पुरोहित, गंगाधर लाखन, श्रवण सिंह, कमल दादीच, बसंत दादीच, लीलाधर शर्मा, अमरचंद भाटी, राजकुमार पारीख, अंजनी रंकावत, कालू तेजस्वी, दिलीप धवल, शोभा कंवर, श्रीकांत ओझा, संतोष बेड़िया, विजय चौहान, मनीष दादीच, प्रियांशु लड़ा, शिव कुमार दर्जी, गणेश मंडावरिया, राकेश जांगीड, रतनलाल नायक, धनराज आर्य, मदनलाल गुलेरिया सहित रूपाराम गुलेरिया सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा कि वर्चुअल रैली से हजारों लोगों ने शहर में मोबाइल व फेसबुक के जरिए इसको देखा है, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। आज जो ये वर्चुअल रैली में जेपी नड्डा साहब जो अभी संबोधन कर रहे हैं, वास्तव में इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली जिसमें हम देख रहे हैं कि 2000 के लगभग 2000 से 3000 के बीच में सुजानगढ़ के लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो ये जिन से देख रहे हैं तो लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस ढंग से टीवी के माध्यम से आज ये रैली हो रही है, वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक है और इससे कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश मिला है, नई ऊर्जा मिली है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं में एक नई संचार पैदा होगी और जिले के लिए और हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत शानदार आज के कार्यक्रम में इतनी उपस्थिति रही। सब लोग देख रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का मानता हूँ कि 70 साल के बाद पहली बार आज पार्टी कार्यालय का जो नवीनीकरण हुआ, जिस ढंग से कार्यवाह राजस्थान प्रदेश के मुकाबले का कार्यालय हमारा सुसज्जित किया गया है, तो इस प्रकार से एक युवा अध्यक्ष के आने के कारण उसकी जोश, उसका विश्वास और जो उम्मीदें हैं वो हमें बहुत सारी है और हम ये विश्वास रखते हैं, हमें उम्मीद है कि पार्टी और आगे गतिशील होगी, पार्टी बहुत तरक्की करेगी। इससे क्या है कि कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा का संचार हुआ है और मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि कुछ ढीला बनाया है, लेकिन अब मुझे हमें पूरा विश्वास है कि मैंने मेरे जीवन में देखा है, स्थानीय स्तर पर देखा गया है कि पूरे इंडिया में देखा गया है। नहीं नहीं, स्थानीय स्तर पर ही ये मैं पिछले दिनों से महसूस कर रहा था और मुझे ये एहसास हो रहा था कि पार्टी का जो है वर्षों तक जो संघर्ष हो और ये सुजानगढ़ जिसने सन 1967 में पहली बार जनसंघ का यहाँ से विधायक चुन करके भेजा था, उसके बाद में सोनीलाल जी 1984-85 के अंदर उन्होंने विधायक पूरे चूरू जिले में पहला बीजेपी का विधायक किया, उसके बाद में खेमाराम जी मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन पिछले समय में मुझे ढिलाई महसूस हो रही थी। अब मुझे आशा और विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी में गतिशीलता आएगी। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, जो स्थानीय नेता हैं, जिले के नेता हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे सहयोग किया है और उस सहयोग की बदौलत आज जो नया कार्यालय है उसके अंदर में हम जो ये रैली है वो डायरेक्ट देख पा रहे हैं।